नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में श्वेता गर्ग। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। आई नजर डालते हैं पहाड़ समाचार पर। कांग्रेस पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय ने कर्णप्रयाग में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि राज्य स्थापना के 21 वर्षों में सरकारें कुछ विशेष नहीं कर पाई हैं। आज महंगाई, बेरोजगारी और स्वास्थ्य शिक्षा को लेकर जनता परेशान है। उन्होंने कहा 2022 का चुनाव मूलभूत समस्याओं को लेकर लड़ा जाना चाहिए। बद्रीनाथ यात्रा से लौटते समय कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय ने कर्णप्रयाग में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि वनाधिकार कानून 2006 के तहत हमें हमारे हकूक वापस मिलने चाहिए। 2022 के चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि उत्तराखंड राज्य स्थापना के बाद अब तक ऐसा कुछ भी विशेष नहीं हुआ है जो आज हम उपलब्धि के तौर पर बता सके। पहली बात तो ये है कि आपको जो है सरकार की परिभाषा बदलनी चाहिए। सरकार का काम होना चाहिए लोगों के जीवन को सुरक्षा दे, उनको उनका पेट जो है, जो भूख है उसको शांत करने की व्यवस्था करें। उसके अलावा उनके तन पर वस्त्र हो उसकी व्यवस्था करें, उनके हाथों को काम दें और उनको रहने के लिए एक छत दें। अब ये मेरे ख्याल से नई परिभाषा सरकार की ये बहुत ज़रूरी जो है और ये भगवान महाराजा कर्ण की। अब खबर कलियर से है जहां भाजपा पार्टी को मजबूत करने के लिए गांव दर गांव के दौरे किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में विधानसभा पिरान कलियर के दावेदारी कर रहे भारतीय जनता पार्टी के दावेदार जय भगवान अपनी विधानसभा कलियर में गांव दर गांव जाकर लोगों से मुलाकात कर अभियान चलाया जा रहा है। वहीं जय भगवान भाजपा नेता का कहना है कि घर घर भाजपा, हर घर भाजपा का कार्यक्रम चलाया जा रहा है, वह पूरे भारतवर्ष में चलाया जा रहा है और हम घर घर जाकर माननीय मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी और धानी जी को नीतियां हैं। पूरे भारतवर्ष में चल रहा है घर घर भाजपा, हर घर भाजपा। भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं केंद्र की, प्रदेश सरकार की, हम लोग हमेशा टच में रहते हैं, पब्लिक के घर घर में जाते हैं, लेकिन इस बार ये कार्यक्रम किया कि हर घर में जाएंगे और भाजपा के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी और धामी जी की जो नीतियां हैं वो हर घर में जाकर हम कह रहे हैं और स्टिकर लगा रहे हैं और अपना बता रहे हैं कि भाजपा के लोग आए, हम कोरोना काल में भी रहे हैं, हर घर में हमारा पूरा संपर्क रहता ही है। लेकिन ये महासंपर्क अभियान है हमारा, पूरी नीतियाँ प्रदेश की, देश की हम बता रहे हैं जनता को। जो राष्ट्रीय कार्यक्रम है हमारा घर घर भाजपा, हर घर भाजपा, इसमें क्या है, पत्रक के माध्यम से हम जो लाभार्थी हैं उनको जगाने के लिए और जो योजनाएं हमारी चल रही हैं, जितने विकास कार्य केंद्र और राज्य सरकार ने किए उसके बारे में जागृति लाने के लिए, बताने के लिए, उसमें घर घर हमारे जो मंडल अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष, बूथ हमारी कड़ी है, बूथ अध्यक्ष हमारे इस समय यहाँ मौजूद हैं, उनको साथ लेके और वरिष्ठ नेताओं को, मंडल अध्यक्ष जी को साथ लेके हम ये कार्यक्रम चला है। पूरे प्रदेश में राष्ट्रीय स्तर पे ये कार्यक्रम चल रहा है और हर बूथ पे जागृति लाने के लिए, जन जन तक जो लाभार्थी हैं, आगे आने वाला समय चुनाव का है, उसमें लोगों को जागृति लाने के लिए, मतदाताओं को जो लाभ पहुँचे हैं सरकार के द्वारा। विकासनगर तहसील क्षेत्र में मोक्ष धामों को सुव्यवस्थित सुचारू रूप से चलने के लिए 3 मोक्ष धामों का शिलान्यास विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने किया। इस अवसर पर विधायक विकासनगर मुन्ना सिंह चौहान ने कहा, हमारे धर्म संस्कृति में भी माना गया है कि विकासनगर क्षेत्र के लोगों को अंतिम संस्कार करते समय अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। विकासनगर क्षेत्र में इस प्रकार के शमशान घाटों का अभी तक जीर्णोद्धार नहीं हुआ था। विधायक मुन्ना सिंह चौहान द्वारा शमशान घाट को लोगों की परेशानियों को देखते हुए सभी शमशान घाटों का निर्माण कराया गया है। 3 जगह, ढालीपुर में मैं संस्कार का ये घाट मोक्ष धाम पहले ही बना चुका हूँ, वो साल 1.5 साल से 2 साल से वहाँ काम कर रहा है, यहाँ पर नहीं था, इसका भी आज मैंने शुभारम्भ एक प्रकार से शिलान्यास कर दिया। जलालिया का भी मैं आज ही शिलान्यास कर रहा हूँ, 65 लाख रुपए मैंने वहाँ भी सेंक्शन किए और वहाँ छरबा में भी आज ही शिलान्यास कर रहा हूँ। तो 3 संस्कार। धर्मनगरी हरिद्वार में कार्तिक पूर्णिमा स्नान पर्व को लेकर प्रशासन ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। कार्तिक पूर्णिमा पर हरिद्वार गंगा स्नान करने के लिए लाखों श्रद्धालु देश विदेश से हरिद्वार की हर की पौड़ी आते हैं। इसको देखते हुए पूरे बेला क्षेत्र को 9 जोन 33 सेक्टर में विभाजित किया गया है। 500 पुलिसकर्मी मेला क्षेत्र में तैनात किए गए हैं और यातायात कंट्रोल करने के लिए अलग से ट्रैफिक प्लान लागू किया गया है।
हरिद्वार स्थित कमलदास कुटिया में एसएसपी डॉक्टर योगेंद्र सिंह रावत ने स्नान पर ड्यूटी में तैनात सभी पुलिसकर्मियों को ब्रीफ किया और जरूरी दिशा निर्देश दिए। लक्सर में केंद्र सरकार द्वारा तीनों कृषि कानून वापस लिए जाने की घोषणा के बाद से ही किसानों में खुशी की लहर दौड़ रही है। लक्सर में किसानों ने मिठाई बांटकर व आतिशबाजी कर खुशी मनाई और किसानों के चेहरे पर खुशी साफ नजर आई। किसान नेता चौधरी कीरत सिंह ने कहा कि पिछले 11 महीनों से जो आंदोलन दिल्ली में चल रहा था उसमें आज उनको सफलता मिली है। बीजेपी सरकार घुटनों पर आई है और सरकार को मुंह की खानी पड़ी। उन्होंने कहा कि जिस दिन यह आंदोलन उनके द्वारा शुरू किया गया था अगर तभी सरकार ये कानून वापस कर लेती तो किसानों को इतनी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता। 11 महीने से जो आंदोलन हमारा दिल्ली में चल रहा था वो आज हमें सफलता मिली। सरकार बीजेपी सरकार घुटनों पर आई है, मुंह की खाई। अगर ये जिस दिन हमने आंदोलन शुरू किया था उसी दिन आंदोलन वापस ले लेते तो किसानों को इतनी परेशानी ना उठानी पड़ती। मैं तो यही कहना चाहता हूँ, चलो बुद्धि आई, देर से आई, दुरुस्त आई। अगर अब भी ऐसा निर्णय लिया और किसानों के पक्ष में अगर ऐसा निर्णय सरकार लेती रहे तो ज़्यादा अच्छा रहा, किसानों को इतनी परेशानी नहीं होती। जो कृषि कानून वापस लिया है इससे किसानों के हित में लिया है, बहुत ही फायदा होगा इससे। समझाया किसानों के जो कानून वापस करे इससे किसान की जीत होगी और सरकार बैक फ्रंट पर चलेगी, किसानों की जीत होगी और ये फायदा मोदी को मिल सके। प्रदेश की राजधानी देहरादून में सैनिकों के सम्मान हेतु राज्य सरकार द्वारा पांचवा धाम सैन्य धाम का निर्माण किया जा रहा है। सैन्य धाम के निर्माण में प्रत्येक शहीद परिवार की मिट्टी ली जा रही है और वीर शहीदों के सम्मान मिले इसलिए प्रत्येक शहीद परिवार के घर से पवित्र मिट्टी को कलश में प्राप्त कर शहीद धाम देहरादून में ले जाया जाएगा। इसी कार्यक्रम के तहत डीडी हाट ब्लॉक प्रमुख बबीता चुफाल ने शहीद सम्मान यात्रा का शुभारंभ किया और डीडी हाट विकास खंड की ग्राम सभा भांडा में गांव का शहीद स्वर्गीय नारायण सिंह कान्याल के घर की मिट्टी लाई गई। साथ ही शहीद स्वर्गीय नारायण सिंह कान्याल ने धर्मपत्नी तुलसी कान्याल को शाल ओढ़ाकर सम्मानित किया। आज शहीद स्मारक के निर्माण के लिए इसके निमित्त डीहाट विकास खंड के स्वर्गीय नारायण सिंह कन्याल जी और शहीद राकेश सिंह खोलिया जी के आवास पर जाकर उनके आवास से कलश में मिट्टी का संकलन किया गया, साथ ही उनके जीवन को स्मरण किया गया। यथाशीघ्र एक बृहद कार्यक्रम कनालचिना और डीडीहाट विकासखंड का कनालचिना में 27 तारीख को आयोजित होगा जिसमें दोनों विकासखंड के सभी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कृषि कानून को वापस लेने के फैसले को लेकर पौड़ी में आम आदमी पार्टी द्वारा अपनी खुशी का इजहार किया गया, जिसके मद्देनजर आप पार्टी द्वारा जनपद पौड़ी के चौबट्टा खाल विधानसभा में आम के कार्यकर्ताओं द्वारा बाजार में पटाखे फोड़कर और एक दूसरे को मिठाई बांटकर अपनी खुशी का इजहार किया। आम आदमी पार्टी के युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष दिग्मोहन नेगी ने कहा कि यह फैसला 700 किसानों की शहादत की जीत है जिन्होंने काले कृषि कानून के मद्देनजर अपनी शहादत दी है। उन्होंने कहा कि यह कानून समाप्त होना ही चाहिए था क्योंकि केंद्र सरकार द्वारा किसानों की आवाज को दबाया जा रहा था। दीपावली भी है और गुरु नानक देव जी का भी पर्व दिवस है और इस अवसर पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तीनों काले कृषि कानूनों को वापस लेने का निर्णय लिया है और उन्होंने कहा है कि किसानों को समझने में वक्त लग गया। पहले तो हम उनके फैसले का स्वागत करते हैं लेकिन दूसरी तरफ 700 किसानों की शहादत के बाद आज उनको बहुत देर से समझ में आया है। खैर, मैं सबसे पहले सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, सभी प्रदेशवासियों को बधाई देता हूँ कि तीनों काले कृषि कानून वापस हो गए हैं। ये किसानों की जीत है, ये उनके संघर्ष की जीत है और जो लोग किसानों को खालिस्तानी कह रहे थे, जो लोग देशद्रोही कह रहे थे, उन सब लोगों के मुँह पर ये तमाचा लगा है। निश्चित तौर पर हम इस फैसले का स्वागत करते हैं और किसानों की ये शहादतें जो 700 शहादतें उन्होंने दी हैं। आजादी का अमृत महोत्सव मानते हुए महिलाओं के बैंक ऋण ब्याज प्रतिपूर्ति सहायता के तहत धनराशि के चेक जिलाधिकारी के माध्यम से वितरित किए गए जिसमें ब्लॉक बाराकोट के 11 लोहाघाट के 185 पार्टी के 10 तथा चंपावत ब्लॉक के 92 समूह शामिल है। कलेक्ट्रेट स्तरीय संगठन को 25 लाख रुपए का अनुदान दिया गया जिसमें और महिला
क्लस्टर, उन्नति महिला क्लस्टर और महिला विकास क्लस्टर, विकास आजीविका महिला संकुलन संगठन और लोहाघाट तथा प्रेरणा आजीविका महिला संकुलन संगठन भी शामिल रही। मुख्यमंत्री जी के स्वयं सहायता समूह सशक्तिकरण योजना के लिए हम लोगों को चेक वितरण का कार्यक्रम किया जाना था, जिसके लिए हम लोगों ने जो महिलाओं ने CCL लिया है 2021 तक, मार्च 2021 तक, उनका जो ब्याज उन्होंने चुकता किया है उसकी ब्याज प्रतिपूर्ति का आर्थिक सहायता देनी थी। उसी प्रकार से जो मुख्यमंत्री जी की घोषणा है उसके अनुसार जो स्वयं सहायता समूह है उनको 6 महीने के लिए 2000 रुपये प्रति माह के हिसाब से भुगतान किया जाना था, वो भी अभी आज पेमेंट किया गया है, बल्कि उसमें 2 ही माह का अभी पेमेंट हो पाया है। और हिमाचल प्रदेश में स्वर्ण आयोग के गठन की मांग को लेकर 15 नवंबर को राजधानी शिमला से शुरू हुई यात्रा देवभूमि श्रवण मोर्चा के देवभूमि क्षत्रिय संगठन की पदयात्रा उत्तराखंड का प्रवेश द्वार कुलहाल पुल से होकर विकासनगर पहुंची, जहां हरबर्टपुर में पहुंचकर श्रवण समाज के लोगों ने इस यात्रा का स्वागत किया। इस यात्रा का समापन आगामी शिमला विधानसभा से शुरू हुई। इस पद यात्रा को 10 दिसंबर को धर्मशाला में आयोजित शीतकालीन सत्र का दौरा समापन होना है। बताया जा रहा है कि इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य जातिगत आरक्षण को समाप्त करना, आर्थिक रूप से कमजोर श्रमण समाज को आगे लाना है और इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य रहेगा। हिमाचल प्रदेश से कुछ हमारे युवा साथियों ने स्वर्ण समाज को लेकर एक यात्रा निकाली, इसमें स्वर्ण समाज के लिए स्वर्ण आयोग के गठन की बात रखी गई है। रिजर्वेशन हिंदुस्तान में आज़ादी के समय में हुआ 10 वर्ष के लिए, क्योंकि बैकलॉग के कारण जो था, जो पिछड़े जाति या पिछड़े वर्ग के लोग थे ऊपर नहीं आ गए थे, इसमें उनके रिजर्वेशन किया गया 10 वर्ष के लिए। लेकिन आने वाली सरकारों ने अपने राजनीतिक फायदे के लिए इसे आगे बढ़ाते चले गए और रिजर्वेशन के कारण अब कई जातियों को रिजर्वेशन में लाते जा रहे हैं अपने राजनीतिक फायदे के लिए, और स्वर्ण समाज को इसमें ऐसा महसूस हो रहा है कि अब वो नौकरियों के लिए पिछड़ने लगे हैं, क्योंकि अगर 90% नंबर ला के भी स्वर्ण समाज का व्यक्ति नौकरी नहीं पाता है और 40% वाला रिजर्वेशन में नौकरी पा जाता। विकास खंड रुड़की के गांव वार्ड खुदरी में फर्जीवाड़ा देखने को मिला, जिसमें छुट्टी के दिन भी चेयरमैन द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें मीडिया कर्मी वहां पहुंचते ही चेयरमैन द्वारा सागन सहकारी समिति के खुले गेटों को तुरंत बंद कर इधर उधर चले गए, जिसमें ग्रामीणों का आरोप है कि सरकारी छुट्टी के दिन भी CBT को खोला जा रहा था। समिति खुले देखकर कुछ ग्रामीण खाद बीज लेने पहुंचे, जिसमें उन्होंने खाद बीज नहीं दिया गया, फिर मीडिया कर्मी को देखकर समिति का गेट बंद कराकर चेयरमैन चले गए। ग्रामीणों का यह भी कहना है कि यहाँ पर फर्जी फाड़ा होता आ रहा है और ग्रामीणों द्वारा शासन प्रशासन को लिखित पत्र भी दे चुके हैं, जिसके विरुद्ध कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। वैसे तो सरकारी छुट्टी थी, पर हमें सुबह पता लगा कि समिति खुल ली है, तो हमने सोचा भाई छुट्टी में कैसे खुल ली, तो यहाँ पे चेयरमैन वगैरह भी आए और अधिकारी तो कोई आया नहीं, कर्मचारी, तो अब जो पियोन है उसने बेचारा ना पहले गेट खोल दिया फिर बंद कर दिया जब कोई आया नहीं। मीटिंग थी हमारी 3 दिन पहले, उसमें ऋण सीमा पास करी गई, कार्रवाई बंद कर दी गई, उसके बाद सचिव साहब से ज़बरदस्ती चेयरमैन महोदय ने एक एजेंडा लिखवाया तत्काल का, जो आज छुट्टी के दिन का लिखवाया, जिसमें समय एजेंडे में 10 बजे का था और 11 बजे तक समिति पर कोई नहीं आया। 11 बजे के बाद हम समिति से चले गए, हमें दोबारा पता चला कि चेयरमैन महोदय आए, हम 11:30 बजे सोसाइटी आए, तो सोसाइटी खोल कर 11:10 को सोसाइटी के अंदर गए, चौकीदार से खुलवाई, यहाँ कोई सचिव MD कोई प्रशासन नहीं था, और यहाँ ये जो प्रस्ताव होना था आज फर्जी वो नहीं हो पाया, कोई मीटिंग नहीं हुई, कोई संचालक नहीं आया, सब अन्यथा कहीं और बैठे दाएं बाएं। अब यहाँ मतलब 4 महीने हो गए जाँच चल रही, इससे पहले भी हमने इसकी शिकायत करी थी, यहाँ फर्जी चेक काटे गए थे, नई नियुक्ति फर्जी कर दी गई, सबकी हमने जांच करके 4 महीने तक हो गए, अब तक कोई जांच।
ट्रिपल सब प्लान प्रोजेक्ट परियोजना के तहत विकास खंड कोटाबाग अशतकर विकास समिति के सहयोग से विभिन्न ग्रामों में 40 किसानों को मधुमक्खी पालन की ट्रेनिंग दी गई, जिसके परिणाम स्वरूप किसानों को मधुमक्खी पालन के लिए मधुमक्खी के डिब्बों और रोजगार के लिए कुछ आवश्यक सामग्री दी गई। ट्रेनिंग के दौरान पंतनगर विश्वविद्यालय द्वारा किसानों को मधुमक्खी पालन की विस्तृत जानकारी दी गई, जिसमें किसानों को प्रैक्टिकल में मधुमक्खी का व्यवहार जानने को भी मिला। वहीं पंतनगर विश्वविद्यालय के मधुमक्खी विशेषज्ञ डॉक्टर मल का कहना है कि ट्रेनिंग के माध्यम से किसानों को रोजगार करने में सहायता मिलेगी, साथ ही किसानों की आमदनी में भी बढ़ोतरी होगी, क्षेत्रवासियों को शुद्ध शहद खाने को मिलेगा। पंतनगर विश्वविद्यालय द्वारा TSP परियोजना के तहत काश्तकार विकास समिति कोटाबाग द्वारा किसानों को 40 किसानों को यहाँ पर मधुमक्खी पालन का प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें उन्हें इसकी सारी जानकारी किसानों को दी गई कि किस तरीके से मधुमक्खी का पालन किया जाता है और उन्हें किस तरीके से देखरेख करनी होती है, ये सब जानकारी किसानों को उपलब्ध कराई गई 2-3 माह पूर्व। और आज जो था इस कार्यक्रम में उनको इसकी सामग्री वितरित की गई, जिसमें बॉक्स थे और कई टूल्स थे और इसका शहद निकालने की जो मशीन है वो भी इन्हें उपलब्ध कराई गई। तो इसमें आज भी किसानों ने प्रतिभा किया और पूर्व में भी 40 किसानों ने इसका प्रशिक्षण लिया था और आज किसानों को यह बताया गया कि वो ग्रुप में 4 गाँव में हमने ये ग्रुप बनाए हुए हैं, इसमें बजुनिया हल्दू, नौदा, गिनती गांव और राकड़ में, तो यहाँ पर ये सभी किसान ग्रुपों में एकत्रित होकर इसको फिर से इसका प्रैक्टिकल करेंगे, इसको एक व्यवसाय के रूप में अपना सकें। आज जो है ये TSP के कार्यक्रम में हम लोग पंतनगर विश्वविद्यालय से एक मौन पालन पर प्रशिक्षण कराया गया था 2-3 महीने पहले, उसके तहत जो है जो किसान जो ट्रेनिंग लिए थे उनको मौन बॉक्सेस का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया आज जो है 40 किसानों को। और इसमें जो KBS हमारी जो देखती हैं जो माया जी यहाँ गिनती गांव में, इनके सहयोग से ये कार्यक्रम संपन्न हुआ ट्रेनिंग का, जिसमें रेखा बदानी जी और माया जी का काफ़ी सहयोग रहा और इस प्रोग्राम को हम लोग 2-3 महीने से लगातार इन किसानों को ट्रेन करने का जिस कोशिश कर रहे हैं और इनको ट्रेनिंग करने के बाद इनको बक्से का डिस्ट्रीब्यूशन आज TSP परियोजना के तहत जो सब जो ट्राइबल हल्द्वानी से थल को जा रही बोलेरो जीप बासम पठान के पास गुदीखान में सड़क में 30 फीट नीचे गिर गई। घटना की जानकारी मिलते ही बेरी नगर के थानाध्यक्ष प्रताप सिंह नेग ने 108 की टीम घटनास्थल पर पहुंची और वाहन में सवार 6 घायलों को ग्रामीणों की मदद से सड़क तक पहुंचाया गया। घायलों को 108 और पुलिस वाहन से CHC बेरीनाग पहुंचाया, जहां पर डॉक्टरों ने घायल 3 महिलाओं को मृतक घोषित कर दिया। वहीं 3 लोगों का उपचार CHC में चल रहा है और वहीं घटना पर कैबिनेट मंत्री बिशन सिंह चुफाल और क्षेत्रीय विधायक मीन गंगोला ने दुख जताया। सूचना मिली कि गोदीगार के पास में एक वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। मैं पुलिस टीम के सामने मौके पर गया था, जिसमें 6 घायल थे। 6 घायलों को वहाँ से निकालकर निजी गाड़ियों से वो एम्बुलेंस से सरकारी अस्पताल में भिजवाया गया है, जिसमें चिकित्सकों द्वारा 3 को मृत घोषित कर दिया गया है। उत्तराखंड की अब तक की खबरों में फिलहाल बस इतना ही और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम TV। नमस्कार।